हाय गाइस, तो कुछ चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें जो समाज में हो रही हैं जिससे हम सभी परेशान हैं, और मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसी चीज़ें न्यूज़ में और न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। और बिल्कुल मैं भी इसके बारे में उतना ही सोचता हूँ जितना दूसरे लोग, जो इन सारी चीज़ों को समाज से और सोसाइटी से अलग करना चाहते हैं, जो एक शेम की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए कि ऐसा होता है। तो मेरे ख्याल से रेप जैसी घटनाएं जो हैं उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट तो अपने स्तर पे काम कर ही रही है, और उनका काम है उस पर कड़े कानून लाना और दूसरी चीज़ों के थ्रू वुमेन को एम्पावर करना और लड़कियों को और स्ट्रॉन्ग बनाना। ये सारे सॉल्यूशंस तो उस चीज़ के हैं ही, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैंने इस चीज़ के बारे में जब सोचा और तो मैंने यही पाया कि इन सारी चीज़ों को रोकने का तरीका एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाना तो है ही, जैसा कि दूसरे कई देशों में किया जाता है, अरब कंट्रीज़ में किया जाता है, कि इन सारी चीज़ों के खिलाफ जो है बहुत सख्त कानून है, और बिल्कुल वहाँ पर वुमेन के प्रति कोई भी अत्याचार सहा नहीं जाता। तो एक तरीका तो वो है ही कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाया जा सकता है या लॉ में चेंजेस किए जा सकते हैं, और उसके अलावा लड़कियों को और एम्पावर किया जा सकता है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो क्या काम किया जा सकता है और क्यों ऐसा हो रहा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो वही करते हैं जो वो दिन रात देखते हैं और जो वो पढ़ते हैं और जो सीखते हैं। और मेरे ख्याल से हमारे यहाँ चाहे तो वो मीडिया के थ्रू या फिर कहीं से भी लोगों के मन में, बच्चों के मन में ऐसी चीज़ें जा रही हैं जिसके बाद वो ऐसी चीज़ें जाके कर रहे हैं। तो अगर हमको कुछ चेंज लाना है तो हमको हमारे यहाँ के लोगों को कोई ऐसी चीज़ दिखानी होगी, कोई ऐसी चीज़ पढ़ानी होगी, कोई ऐसी चीज़ें सिखानी होंगी जिससे जब वो कुछ काम करें तो उन्हें पॉजिटिव करने का मन करें। क्योंकि वो अभी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं, तो जो वो काम करते हैं वो फिर ये शो करता है कि वो क्या चीज़ें देख रहे हैं। इसलिए हमें कुछ बदलाव करने होंगे अपने मीडिया में, हमें कुछ बदलाव करने होंगे अपने प्रिंटिंग प्रेस में, हमें कुछ बदलाव करने होंगे ऐसी चीज़ों में, ताकि हम उन्हें वो दिखा सकें जैसा हम देश चाहते हैं, जैसे हम सोसाइटी चाहते हैं। हमें ये कंट्रोल ज़रूर करना होगा कि लोगों को कैसा बनाना है। हम बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि आप बिल्कुल कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक तरीका ये बांध लें कि हम अपने देश के लोगों को कैसा बनाना चाहते हैं, तो हमें उस तरीके की चीज़ें उन्हें दिखानी होंगी, सुनानी होंगी, उस तरीके की चीज़ें उन्हें पढ़ानी होंगी, ताकि जब वो कोई काम करें तो वो पॉजिटिव हो, अच्छा हो और देश के काम में आए। तो मेरे ख्याल से इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए जो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, इस सामाजिक बुराई को दूर करना चाहते हैं। और मेरा एक ये एक ऑब्जर्वेशन था जो मैंने शेयर किया। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमको लोगों को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसा सुनाना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसा सिखाना पड़ेगा जिससे जो आज वो कर रहे हैं वो ना।